बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, हमारे अहबाब को, वालदैन को, रिश्तेदारों को, तमाम मुसलमानों को सेहत याफ्ता ज़िंदगी अता फरमाए रखे। आमीन। अगर कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करना, जाकर हाल चाल पूछना बहुत प्यारी सुन्नत है। जब हम किसी बीमार को पास जाएं तो मिश्कात शरीफ यह हदीस है, हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए और 7 बार पढ़नी चाहिए। दुआ अर्ज है, अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शल अज़ीम अन यशफीक, अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शल अज़ीम यशफियाका, अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शल अज़ीम यशफियाका, अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शल अज़ीम यशफियाका, अस्अलुल्लाह अल अज़ीम रब्बल अर्शल अज़ीम यशफियक। ये 7 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 1 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर मरीज के लिए दुआ फरमाएं, हो सके उस पर दम भी कर दें, फूंक भी मार दें, और खुदा अलखास हम खुद बीमार हो जाएं तो हमें अपने लिए भी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको रूहानी और जिस्मानी सेहत अता फरमाए रखे। जो मरीज़ मुसलमान भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। वो आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज ए सदका जारिया। जज़ाकल्लाह खैर।